हाय एवरीवन, माय सेल्फ भावना, वेलकम टू सनी कोचिंग क्लासेस। आज हम मिल रहे हैं एक न्यू स्टूडेंट के साथ। इन्होंने क्लियर किया है पीपीएमटी, दैट इज पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। तो हम जानेंगे कि उनका क्या नेम है, वो कहां से हैं और उनके कितने परसेंटाइल हैं इस बार पीपीएमटी के एग्जाम में। तो आप कहां से हैं जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सिमर कौर एंड आई एम फ्रॉम जलंधर। आपकी कितनी परसेंटाइल है? मेरे 92.7 परसेंटाइल आई थी। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनसे जानेंगे क्या इनकी स्ट्रेटजी थी, क्या कुछ इन्होंने प्लान किया, कैसे इन्होंने पढ़ा, क्या ये नोट्स बनाते थे कि नहीं, कैसे पढ़ते थे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे। तो इन जनरल वही जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो सबसे पहले तो बताइए कि जो एग्जाम का पैटर्न था पीपीएमटी में वो क्या था, किस सब्जेक्ट का कितना का पोर्शन आपके अकॉर्डिंग था, कौन मेजर पोर्शन था, क्या कुछ था? ज़्यादातर पोर्शन बायो में से था और उसके बाद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और इंग्लिश भी आई थी। जीके के क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं थे और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी नहीं आई थी। ठीक है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड बायो में कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला? नहीं इतना नहीं। ठीक है, और जीके का भी नहीं आया? नहीं, इंग्लिश आई थी, वो ईजी थी इंग्लिश। इंग्लिश ही थी, ठीक है। तो बायो के क्वेश्चन किस टाइप के थे? वो भी ईजी थे, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में से ऐसे ईजी थे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपने जब प्रेपरेशन करी थी वो किस हिसाब से करी थी, क्या कुछ पहले किया था, क्या कुछ बाद में किया था? मेरे पास सिर्फ 20 डेज थे, मुझे इतना पहले पता नहीं था एसएससी के बारे में। फिर मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया कि ये सिलेबस है, फिर मैंने ज्वाइन की क्लासेस, फिर उन्होंने टीचर्स ने बहुत हेल्प की कि इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर मैंने उन टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दिया। तो जैसे क्लास में करवाया गया था, क्या एग्जाम में भी सेम वैसे चीज़ें थी, थोड़ा डिफरेंट था? हाँ जी, क्वेश्चन बहुत इजी थे, वैसे सिमिलर ही क्वेश्चन आए थे जैसे उनके पोर्टल में से थे, पोर्टल में मटेरियल बहुत अच्छा था और उनमें से सिमिलर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो पोर्टल क्या चीज़ है, मतलब जिसको नहीं पता पोर्टल को कैसे ज्वाइन करें? पोर्टल एसएससी का स्टडी मटेरियल है जहाँ पे हर सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह, स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह मिलते हैं। तो उसमें से आप कैसे सिर्फ उसको फॉलो करते थे या साथ में कोई और बुक या नोट्स को भी फॉलो करते? नहीं, मैंने एक एनसीईआरटी और सनी कोचिंग क्लासेस के पोर्टल फॉलो किए थे। तो एनसीईआरटी में से कितना मेजर वेटेज, मतलब किसमें से लगी एग्जाम में, एनसीईआरटी में से या आउट ऑफ एनसीईआरटी में से? मोस्टली एनसीईआरटी में से थे, कुछ क्वेश्चंस थे जो बाहर से थे पर वो पोर्टल में से हमने किया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। ओके, तो आपको सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा लगा एग्जाम में? इंग्लिश और बायो। ठीक है, सबसे मुश्किल? फिजिक्स। सबका आंसर यही होता है फिजिक्स। ओके, फिजिक्स मुश्किल क्यों लगती है? मोस्टली मेरा मैथ पहले से ही वीक था और इस साल फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आए थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, और केमिस्ट्री में थ्योरी थी ज़्यादातर, वो इजी थी। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आया? नहीं, इतना नहीं आया। और इनऑर्गेनिक में कुछ होता है लर्निंग पोर्शन, वो आपने कैसे मैनेज किया था याद करना? वो मैंने आपके पोर्टल में से, आपने भी कई ट्रिक्स बताई कि ये ऐसे कर सकते हैं तो मैंने वो फॉलो किया। ठीक है, तो पेपर में किसकी वेटेज ज़्यादा थी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री में से? फिजिकल तो बहुत कम थी, बहुत थ्योरी आई थी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सिमिलर थे। ऑर्गेनिक में भी कुछ रिएक्शंस बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बल्कि होती हैं, तो वो कैसे याद करते थे? वो तो ऐसे याद कर लेते थे, हो जाता था याद। ठीक है, आपने कब, आपको माइंड में आया ड्यूरिंग प्लस वन और प्लस टू कि कब मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए? मैंने पहले प्लस वन में कोई ऐसा ख्याल नहीं था, पर प्लस टू में आते आते ऐसा पता लगा कि ये पीपीएमटी का पेपर होता है। तो फिर आपने प्लस टू के साथ साथ तैयारी शुरू करी अपने लेवल पे थोड़ी बहुत? प्लस टू में जो पढ़ाया जाता था मोस्टली, तो उसमें से फोकस किया ज़्यादा कि आगे ये सिलेबस आना है तो फोकस किया। तो आपके बोर्ड की प्रिपरेशन कैसी रही थी? इस साल तो सीबीएसई ने कई टॉपिक्स बीच में से कटवा दिए थे, तो उसके वाइज ही बोर्ड की प्रिपरेशन करी। हाँ जी। तो क्या एंट्रेंस एग्जाम में जो कट था या रिड्यूस्ड पोर्शन था वो आया था? हाँ जी, उसमें तो सारा सिलेबस था जो सीबीएसई ने कट किया था वो भी था। तो आपने वो कैसे मैनेज किया, क्योंकि वहाँ पे तो आपने पढ़ा नहीं होगा, तो फिर एग्जाम के बाद बिल्कुल न्यू चीज को कैसे डील किया? एग्ज़ाम में जो आपने बताया था कि ये टॉपिक्स हैं, मेरे पास तो 20 डेज थे, तो आपने बताया कि ये टॉपिक्स में आ सकते हैं, पिछले साल में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो मैंने उस पर ही ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, उसके वाइज ही प्रिपरेशन। हाँ जी। ओके, तो आपका कोर्स कैसा था, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मेरा कोर्स ऑनलाइन था। ठीक है,
अगर आपको ऑफलाइन की ऑप्शन मिलती तो आप कौन सा ज्वाइन करते, ऑनलाइन की ऑफलाइन? वैसे तो दोनों सही थे, पर मैं जलंधर से हूँ तो थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो फिर ऑनलाइन बेटर था। ठीक है, आपका ऑनलाइन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था, क्लासेस 7 to 8 classes भी लगती थी, टीचर्स भी पूरी मेहनत करते थे। 7 to 8 मतलब टाइम या आवर्स? आवर्स, 7 to 8 hours डेली। तो फिर आप इतनी लंबी क्लास कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट को होता है कि इतना कौन सुनेगा, इतना सुन ही जाएंगे तो पढ़ेंगे कब, है ना? तो फिर वो कैसे मैनेज करते थे? पहले खा पी कर बैठ जाते थे कि पता है अब इतनी क्लासेस लगनी है। ठीक है, और ड्यूरिंग क्लास साथ में कुछ नहीं, कभी कभी ले। अच्छा, मतलब क्लास के साथ साथ कुछ ना कुछ चलता रहता था, खाना पीना चलेगा भाई, 7 to 8 hours लंबा पीरियड है। ठीक है, और आप थ्योरी ज़्यादा करते थे या क्वेश्चन? मैं थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करती थी, न्यूमेरिकल्स जिसमें पता था कि इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लेती थी। ठीक है, और बायो के क्वेश्चन कैसे थे, मतलब कुछ एग्जांपल्स होती हैं जो बिल्कुल ही मुश्किल होती हैं याद करनी, जैसे प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम की? और प्लस वन में आप कह रहे हो कि आपको इतना पता भी नहीं था कि तैयारी करनी है, तो फिर उसको कैसे मैनेज किया? मैंने आपके पोर्टल में से ही याद किया, वैसे इतनी एग्जांपल्स आई नहीं थी। ठीक है, एग्जाम में नहीं आई थी वाली, नहीं, पर आपने तो तैयारी करी थी उसकी भी, आपके पोर्टल में सारा दिया हुआ था, सारी एग्जाम्पल्स ही हुई थी, उसी के वाइज किया। कौन सा पोर्शन आपको लगा कि एग्जाम में ज़्यादा दिख रहा है, बॉटनी का या जोलॉजी का? पोर्शन बॉटनी का ज़्यादा था, बॉटनी का ज़्यादा था, जूलॉजी का भी इतना था, सिमिलर था उससे, सिमिलर था। और फिजिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था कि न्यूमेरिकल? फिजिक्स में न्यूमेरिकल थे। ठीक है, और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में थ्योरी ज़्यादा थी, थ्योरी ज़्यादा थी। आपको पीपीएमटी के बारे में एग्जैक्टली कब पता चला? मुझे प्लस टू में पता चला था, मैंने एक वीडियो देखी थी नेट में से, आपकी वीडियो थी वो, कि ऐसा पेपर होता है बीएससी नर्सिंग के लिए। ओके, तो आपको फिर कैसे मतलब आइडिया आया कि मुझे नर्सिंग ही करनी है, क्योंकि मेडिकल के में तो और भी अदर ऑप्शंस होते हैं, एमबीबीएस का भी होता है, वेटनरी का भी होता है, एग्रीकल्चर एग्जाम्स भी हैं, आपने नर्सिंग ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि मेरे रिलेटिव्स बाहर हैं, उन्होंने भी बीएससी नर्सिंग किया, तो वो कह रहे थे कि यहाँ बाहर स्कोप बहुत है बीएससी नर्सिंग का, इसीलिए। मतलब आपके रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि नर्सिंग का वहाँ पे स्कोप है, तो आपने इसे? हाँ जी। ओके, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है, आप एलिजिबल भी हैं काउंसलिंग के लिए, तो आपका अब सिलेक्टेड कॉलेज कौन सा है, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमृतसर। ओके, इसके अलावा आपने कौन कौन से फिल करने हैं? मैंने एक बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का कैंपस और ION गोइंदवाल साहिब। उसके अलावा कोई और? उसके अलावा एक मुकदसर में गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ। ठीक है, तो ये सारे आपने फिल कर। ड्यूरिंग कोर्स आपको जरूर कभी ना कभी डीमोटिवेटेड भी लगता होगा कि ये नहीं हो रहा, डीमोटिवेशन हो रही है, ये पता नहीं कब होएगा एग्ज़ाम, पता नहीं क्लियर होना भी है कि नहीं, मैं ऐसी पढ़ी जा रही हूँ, तो फिर उस चीज़ के साथ कैसे टैकल करते थे? पेरेंट्स सपोर्ट करते थे और टीचर्स भी सपोर्ट करते थे कि नहीं हो जाएगा, पेपर ईजी आता है, इतने सारे स्टूडेंट्स ने दिया है, हो जाएगा क्वालिफाई। ठीक है, और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था कि क्यों मुझे ये अचीव करना ही है? अपने पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स कुछ करना है। ओके, तो ये जुनून होना चाहिए ना। ठीक है, और आपका कितना मतलब आपकी स्टडीज में कितना रोल रहा है आपके रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स का? जब भी मुझे कोई अचीवमेंट मिलती थी स्टडी के रिलेटेड कि पेपर में इतने अच्छे नंबर आए हैं, तो सारे रिलेटिव्स कॉन्ग्रेचुलेट करते थे, सपोर्ट करते थे, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते थे कि तू और अच्छा कर सकती है आगे। ठीक है, तो आपके इस बार 92% आई लाइन है, तो आप क्या शुरू से ही ऐसे 9वें लाइन में ही मार्क्स लेके आते थे, मतलब शुरू से ही क्या आपको ऐसा लगता था कि हाँ हमेशा से, मतलब फ्रॉम नर्सरी टिल 12th आपको ऐसे ही था कि हाँ 90% आए हैं, 98 है, 97 है, 92 है, हमेशा से ही ऐसा था? पहले मेरे स्टडी में मन ही नहीं लगता था, फिर बाद में पता चला कि हाँ इसकी स्टडी की इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने वहाँ पे फोकस किया। फिर कैसे मन लगने लगा आपका बिना स्टडी से, बाहर से स्टडी रूट में एंटर करना कैसे? क्योंकि मैं सबसे घर में सबसे बड़ी हूँ सिब्लिंग्स में से, तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर थी कि हाँ कुछ करना है पेरेंट्स के लिए। ठीक है, अगर आप करोगे तो आपसे छोटे भी आपको देख के करेंगे। ठीक है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये सिंसेरिटी आई कि पढ़ना चाहिए। ठीक है, और ये किस क्लास में आई लगभग? ये 9th 10th 8th 9th में आ गया कि पढ़ना चाहिए।
ठीक है, और फिर आपने कैसे ये इसकी तरफ हुए, वो आप कह रहे हो कि ट्वेल्थ में आपको नॉलेज हुई ना, तो प्लस वन में आप कैसे तैयारी कर रहे थे? प्लस वन में मैं बस बोर्ड्स के लिए कर रही थी। प्लस वन में थ्योरेटिकल जो स्कूल लेवल का होता है स्कूल लेवल का, फिर प्लस टू में आके पता चला कि ठीक। और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पीपीएमईटी जैसे क्वालिफाई हुआ है, मान लो आपका पीजीआई भी क्वालिफाई हो जाता है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? पीजीआई को। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस, वहाँ पे फीस भी कम है और वो बेटर है, स्कोप बेटर होएगा उसका। ठीक है, आप कह रहे हो कि आपका कोर्स ऑनलाइन रहा है, तो ऑनलाइन क्लास आप कहाँ कैसे लगाते थे, कहाँ पे लगाते थे? जूम पे लगती थी हमारी क्लासेस। ठीक है, और किस डिवाइस पे, फोन पे, लैपटॉप पे, या? मैं फोन पे लगाती थी। ठीक है, तो जब आप फोन पे लगाते थे तो फोन में तो अदर एप्स भी होते हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी कि मिनिमाइज करके वो ओपन कर ले, कौन सा पता चल रहा है? फैमिली के अकॉर्डिंग तो पढ़ ही रहे हो और कमरा भी बंद है, तो फिर नहीं। पर पेपर अगर क्वालिफाई करना है तो पूरी अपना फोकस वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और अगर बीच में कोई नोटिफिकेशन आ जाती है जैसे या स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, कि उसने आपको ये सेंड किया है, या ये नोटिफिकेशन बार बार भेजते रहते हैं ताकि आप पहुँचो वहाँ पे और स्क्रॉलिंग शुरू करो? मैंने नोटिफिकेशन ही बंद करती, नोटिफिकेशन ऑफ कर देती। ठीक है, तो ये काम अच्छा किया आपने। और ड्यूरिंग कोर्स अगर किसी का वो होता, कोई फंक्शन आ जाता, कोई रिलेटिव का या बर्थडे पार्टी आ जाती, तो फिर? तो मैं जानती नहीं जाना। ओके, तो आप की क्या कुछ टिप है, मतलब आपके अकॉर्डिंग सही में कितना टाइम चाहिए इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? आवर्स मैटर नहीं करते, आप कितने घंटे पढ़ते हो, किस कितना फोकस लगा के पढ़ते हो, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, तो ये अच्छी लाइन बोली आपने, क्वालिटी मैटर करते हैं, क्वांटिटी नहीं, कि ये नहीं कि बुक खुली और हमारा ध्यान कहीं। अगर आप इतने घंटे सात आठ घंटे पढ़ रहे हो, वहाँ से आपका फोकस कहीं और है, और आप सेवन एट घंटे ऐसे ही बुक खोल के पढ़ रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो उससे बेटर तो ये है कि दो तीन घंटे पढ़ लो, सही से पढ़ो। और कितना ड्यूरेशन चाहिए, मतलब मंथ में या ऐसे टाइम कितना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हर किसी का अलग अलग टाइम है, मेरा तो, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं थी, मैंने 20 डेज में किया, तो वन मंथ आपके हिसाब से जितना आपको अच्छा। ठीक है, और अगर किसी को ट्वेल्थ के साथ, मान लो जैसे आपका ट्वेल्थ में जब आइडिया आया पीपीएमईटी का, अगर आपको तभी पता चल जाता कि ये ऐसे कोचिंग हो सकती है अवेलेबल, तब करना आपको बेहतर लगता है या जैसे आपने अब किया है? अगर मुझे पहले पता लग जाता तो और भी बेटर हो, मैं और भी बेटर कर सकती थी, पर मुझे पता ही बाद में चला था। तो अगर किसी स्टूडेंट को टाइम है और उसे पता भी चल गया, तो क्या उसे करना चाहिए या पहले बोर्ड की प्रेपरेशन खत्म करनी चाहिए और फिर यहाँ पे एंट्रेंस की तरफ मूव करना चाहिए? उसे साथ साथ में भी अपनी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो प्लस टू के साथ साथ करनी चाहिए या प्लस वन से ही शुरू कर देना चाहिए? प्लस वन से ही शुरू कर देना, क्योंकि प्लस वन और प्लस टू बोथ सिलेबस आते हैं, दोनों का सिलेबस आता है। ठीक है, तो बोर्ड्स और एंट्रेंस को साथ साथ करना फिर मुश्किल नहीं लगेगा आपके अकॉर्डिंग? हाँ, पर आप जितना आपके सिलेबस में है, जितना आपको पढ़ाया जाता है, आप उस पर भी फोकस करो ज़्यादा। ठीक है, मतलब सेम चीज़ ही कर लो ना, हाँ, सेम चैप्टर उधर भी कर लो उधर भी कर लो, तो थ्योरेटिकली भी हो जाएगा और एंट्रेंस के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, आपकी कोई स्पेशल टिप, कोई स्टूडेंट जिसको बिल्कुल ही नहीं पता, वो स्टार्ट करना चाहता है, एक बिगिनर है, तो वो क्या कुछ करे, मतलब सबसे पहले क्या माइंडसेट करे, क्या कहाँ से तैयारी शुरू करे, कैसे कैसे स्टेप बढ़े, ताकि आप वो भी आपके तरह अच्छा रैंक ले पाए? आपके पास जितना भी टाइम है, एक महीने है, दो महीने हैं, जितना भी है, आप शुरू, अगर आपने कुछ नहीं किया, आप स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो, पूरा टाइम लगा के अपना फोकस देके। ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट एक ईयर के लिए अपेयर कर रहा है, तो उसको डेली कितना टाइम देना चाहिए, अदर देन स्कूल, अदर देन ट्यूशन, सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम देना चाहिए अगर उसने नेक्स्ट ईयर मान लो पेपर देने हैं? कम से कम आप 4 घंटे तो लगा के चलिए, कम से कम 4 घंटे आप कर सकते हैं, एटलीस्ट 4 आवर तो है, 4 घंटे तो दो ही दो। ठीक है, तो आपने कैसे मैनेज किया ये सब कुछ, फाइनली कंक्लूड कर दीजिए, और अगर किसी को कुछ नहीं पता तो वो कैसे करें, मतलब टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू होता है कि मेडिकल वालों को वैसे होता है कि थ्योरेटिकल करें कि न्यूमेरिकल करें, है ना, डेली कितना टाइम दें, तो ये थोड़ा सा बता दो बस। पहले तो सी थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करो, तो बाद न्यूमेरिकल फिजिक्स केमिस्ट्री दे, फिर उसके बाद आपके अकॉर्डिंग चैप्टर के एंड पे क्वेश्चन करने चाहिए कि पहले? चैप्टर के एंड पे, अगर आपने चैप्टर का कुछ नहीं पढ़ा, आपको कुछ चैप्टर नहीं समझ आया, तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे? ठीक है, और मतलब फुल सिलेबस के क्वेश्चंस पहले करें या चैप्टर वाइज क्वेश्चन पहले करें? पहले आप चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करो, आपको देखो कितना कितना आता है, आपने कौन सा कॉन्सेप्ट आपको नहीं आया, किसके क्वेश्चंस नहीं हो रहे, उस कॉन्सेप्ट को ज़रा टाइम दो। ठीक है,
आपका ओवरऑल कोचिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा ओवरऑल कोचिंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। टीचर्स ने बहुत सपोर्ट की, बहुत टिप्स भी दी। ठीक है, तो क्या आप अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को सनी कोचिंग क्लासेस रिकमेंड करेंगे? हाँ जी। क्या हम आपके वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं? हाँ जी। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड आई रियली प्रे कि आपका आगे भी बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर रहे और आपके डिजायर्ड कॉलेजेस में सीट मिल जाए और आगे भी आप एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। Thank you.